हमने लास्ट लेक्चर में लिमिट पॉइंट पढ़ा था और उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी और ड्राइव सेट पढ़ा था। आज कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पहले मैं आपको याद करवा दूं कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट है या नहीं है। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस हो, ए उसका सबसेट हो, और मैट्रिक्स स्पेस के पॉइंट एक्स के बारे में हमने डिसाइड करना हो कि वो लिमिट पॉइंट है, तो कब होता है? जब हर पॉजिटिव रियल नंबर आर के लिए, जब भी आप ओपन बार एस आर एक्स बनाते हैं, तो एस आर एक्स और ए में एक्स के अलावा भी पॉइंट्स कॉमन आते हैं, इनका इंटरसेक्शन एक्स माइनस करने के बाद भी एम्प्टी नहीं होता। और ये काम हमने हर पॉजिटिव रियल नंबर आर के लिए करना होता है। और अगर शो करना हो कि कोई एक पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आपको ढूंढना होता है एक पॉजिटिव रियल नंबर आर ऐसा कि जब आप एस आर एक्स बनाकर उसका ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उसमें से एक्स माइनस कर दें, तो कुछ भी कॉमन ना आए, एम्प्टी सेट आ जाए। तो इस तरह से चेक करते हैं किसी पॉइंट को लिमिट पॉइंट है या नहीं है। और अगर एक सेट ए के लिमिट पॉइंट्स ढूंढने के बाद एक सेट में इकट्ठे कर लें, तो हम उसको ड्राइव सेट कहते हैं और उसे ए डी से लिखते हैं। एक एग्जांपल करने लगे हैं। हमने लिमिट पॉइंट्स मालूम करने हैं इस इंटरवल ए 0 1 के मैट्रिक्स स्पेस आर के अंदर। इस इंटरवल का मतलब है इसमें 0 शामिल नहीं है, 1 शामिल है और 0 1 के दरमियान वाले रियल नंबर्स हैं। अगर हम इस सेट ए को पिक्चर में देखें तो 0 से लेकर 1 तक नंबर्स हैं, 1 शामिल है, 0 शामिल नहीं है। हमने मैट्रिक्स स्पेस आर के डिफरेंट नंबर्स लेने हैं और देखना ये है कि कौन से नंबर्स इस सेट के लिमिट पॉइंट हैं और कौन से नंबर्स लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। लिमिट पॉइंट के लिए देखना ये होता है बेसिकली हमने कि लिमिट पॉइंट के करीब क्या सेट के पॉइंट्स हैं या नहीं। अगर एक पॉइंट लिमिट पॉइंट है, तो उस पॉइंट के करीब सेट के पॉइंट्स होते हैं, और अगर वो लिमिट पॉइंट ना हो, तो उस पॉइंट के करीब सेट के पॉइंट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये पॉइंट 0 लूँ, इस 0 के करीब राइट साइड पे सेट के पॉइंट्स हैं, यानी इस 0 के करीब सेट के पॉइंट्स मौजूद हैं, लगता ये है कि ये 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें एस आर 0 बनाना है। एस आर 0 हमें मालूम है मैट्रिक्स स्पेस रियल के अंदर ये माइनस आर से आर तक का ओपन इंटरवल है, जिसमें माइनस आर और आर शामिल नहीं है। यानी एस आर 0 0 से आर डिस्टेंस पीछे, 0 से आर डिस्टेंस आगे। क्या ओपन बाल एस आर 0 में और सेट ए में अगर पॉइंट्स कॉमन हैं, तो ये लिमिट पॉइंट है। और अगर ऐसा हर आर के लिए है, आप देखें पिक्चर में ये वाला जो पोर्शन है 0 से लेके आर तक, ये दोनों में कॉमन है। लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है आपका जो एस आर 0 है माइनस आर से लेकर आर तक, वो हो सकता है इस इंटरवल 0 1 से बड़ा हो जाए। ऐसी सूरत में भी चीज़ें कॉमन हैं। ऐसी सूरत में ये सारा का सारा सेट दोनों के इंटरसेक्शन में है, इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है। यानी हम कह ये सकते हैं कि एस आर 0 का अगर हम ए के साथ इंटरसेक्शन लें और उसमें से 0 को एक्सक्लूड कर दें, तो दो पॉसिबल आंसर्स आ सकते हैं। एक इंटरसेक्शन आ सकता है 0 से लेकर आर तक का ओपन इंटरवल। ये उस केस में आएगा अगर आपका आर जो है वो 1 से लेस होगा या 1 होगा, तो 0 से आर तक का ओपन इंटरवल आ जाएगा। और अगर आर 1 से ग्रेटर होगा, तो दोनों के इंटरसेक्शन में 0 से लेकर 1 तक का, जिसमें 1 भी इंक्लूड होगा, ये इंटरवल आ जाएगा। लेकिन देखा हमने ये कि फॉर एवरी पॉजिटिव आर के लिए
SR0 और A के इंटरसेक्शन में से सेंटर 0 एक्सक्लूड करने के बाद भी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं है। SR0 इंटरसेक्शन A माइनस कर लें सेंटर 0, ये एम्प्टी सेट नहीं है और ऐसा तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स R के लिए है, वो R1 या 1 से लेस हो या वो R1 से ग्रेटर हो। और हर केस में हमारे पास जो है इंटरसेक्शन एम्प्टी ना होने का मतलब हुआ 0 इस सेट का लिमिट पॉइंट है। इसी तरह से हम और लिमिट पॉइंट ढूंढना चाहते हैं मैट्रिक्स स्पेस के अंदर। लिमिट पॉइंट का मतलब हमें मालूम है कि लिमिट पॉइंट का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट मैट्रिक्स स्पेस का जिस पॉइंट के करीब सेट के और पॉइंट्स भी हों उसके अलावा। अगर मैं यहाँ पे वो पॉइंट कोई ऐसा एक्स लूँ जो इस इंटरवल के दरमियान में मौजूद हो, या कह लें सेट ए में से एक्स लूँ, एक्स कहाँ से लूँ, सेट ए में से 0 से लेकर 1 तक कोई भी एलिमेंट ले लूँ, क्या अब अगर हम ओपन बाल बनाएंगे तो उस ओपन बाल में और सेट ए में सेंटर को निकाल के कुछ कामन आएगा या नहीं आएगा। क्या देखना चाहते हैं कि SRX इंटरसेक्शन ए बीच में से एक्सक्लूड कर दिया जाए एक्स को तो एम्प्टी नहीं आना चाहिए फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर के लिए। लगता है कि ऐसा ही है क्योंकि जब भी हम एक्स से ओपन बाल SRX बनाते हैं तो हम x माइनस आर से लेकर x प्लस आर तक का ओपन इंटरवल लेते हैं और इस ओपन इंटरवल में 0 और 1 के काफ़ी सारे पॉइंट्स कॉमन हैं। आप देख सकते हैं ये सारा पोर्शन कॉमन है, एम्प्टी नहीं है, x निकाल के भी एम्प्टी नहीं है। अगर r बड़ा कर दें अब जो हमारा SRX है ये पूरा का पूरा इंटरसेक्शन 0 1 पूरा आ रहा है, अभी भी एम्प्टी नहीं है, अभी भी चीज़ें कॉमन आ रही हैं। यानी ऑब्वियसली पिक्चर की मदद से आप देख सकते हैं कि SRX इंटरसेक्शन A बीच में से X को निकालने के बाद भी कभी भी एम्प्टी नहीं आ रहा, चाहे आप इसका रेडियस छोटा ले लें और चाहे आप इसका रेडियस बड़ा ले लें, इनके इंटरसेक्शन में चीज़ें कॉमन हैं। और इसका मतलब है मैं जब भी एक्स लूँ सेट ए में से तो SRX इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स एम्प्टी नहीं है फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर आर के लिए। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सेट ए का हर पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट के लिए हमने मैट्रिक्स स्पेस में से एलिमेंट लेना होता है, वो एलिमेंट आप ए में से भी ले सकते हैं, ए के बाहर से भी ले सकते हैं। पहले हमने 0 लिया था जो सेट ए में शामिल नहीं था, हमने उसको प्रूव किया कि वो सेट ए का लिमिट पॉइंट है। अब हमने सेट का अपना कोई सा भी एलिमेंट एक्स लिया और उसको भी प्रूव किया कि वो भी लिमिट पॉइंट है। इसके अलावा जो मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स हैं यानी 1 से बड़े और 0 से छोटे, अब हम उनको चेक करना चाहते हैं कि वो इसके लिमिट पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। सेट ए यही है हमारे पास 0 से लेकर 1 तक का इंटरवल जिसमें 0 शामिल नहीं है और 1 शामिल है। अब हम देखना चाहते हैं उन पॉइंट्स को जो 1 से बड़े हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एक्स, कि ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल उसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था, आप इसके लिए हमारा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। करें क्या, अगर मैं ऐसा ओपन बाल बनाऊं एक्स को सेंटर लेकर जिसका एक्स माइनस आर 1 के इक्वल आ रहा हो, तो उस ओपन बाल में और सेट ए में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा, यानी हमें एक आर मिल रहा है। अगर हम आर कितना ले लें, एक्स और 1 के दरमियान जो डी है उस डी जितना आर ले लें, तो हमारे पास जो SRX बनता है SRX में और ए के इंटरसेक्शन में एक्स को माल एक्सक्लूड करने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं आता, एक ऐसा पॉजिटिव आर मौजूद है
जो r किसके इक्वल है x और 1 के दरमियान डिस्टेंस के, empty आ गया, इसका मतलब ये वाला x लिमिट पॉइंट नहीं है। यानी अगर आप x लें मैट्रिक्स स्पेस में से x 1 से ग्रेटर हो तो x इज नॉट लिमिट पॉइंट ऑफ a। इसी तरह से अगर आप 0 से छोटा कोई x ले लें और r x और 0 के दरमियान जितना डिस्टेंस है उतना रेडियस लेकर ओपन बार बना लें कि हमारा जो x नॉट प्लस r है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो इस ओपन बाल में और सेट A01 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये भी लिमिट पॉइंट नहीं है। यानी x ग्रेटर देन 1 हो वो भी लिमिट पॉइंट नहीं है और x लेस देन 0 हो वो भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट फाइनली हमारे पास जो आए हैं 0 आया है और सेट A के सारे पॉइंट्स आए हैं। 1 से बड़े पॉइंट से सेट के लिमिट पॉइंट्स नहीं आए, 0 से छोटे पॉइंट्स लिमिट पॉइंट्स नहीं आए, 0 है और 0 और 1 के दरमियान वाले यानी सेट A के सारे एलिमेंट्स, हम कह सकते हैं कि इस सेट A का जो ड्राइव सेट है वो क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक है। तो हमने एक और एग्जांपल देखी है जिसमें हमने सेट मैट्रिक्स स्पेस के एक सबसेट के लिमिट पॉइंट्स कैलकुलेट किए हैं, ड्राइव सेट कैलकुलेट किया है। ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमने इस वक्त इस एग्जांपल के अंदर मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक सेट लिया है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और उसके लिमिट पॉइंट्स ढूंढने हैं, उसका ड्राइव सेट ढूंढना है। हमें मालूम है ये सेट ऑफ इंटीजर्स है, हमने देखना ये है कि कौन कौन से रियल नंबर्स इस सेट के लिमिट पॉइंट्स हैं। और लिमिट पॉइंट का मतलब है कि उस पॉइंट के करीब सेट में मज़ीद पॉइंट्स भी हैं उस पॉइंट के अलावा। अगर फ़र्ज़ करें मैं देखना ये चाहता हूँ कि 1 लिमिट पॉइंट है या नहीं, मैं एक ऐसा ओपन बाल बना सकता हूँ SR1 कि उसका जब मैं सेट Z के साथ इंटरसेक्शन लूँ और बीच में से 1 एक्सक्लूड कर दूँ तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या ख्याल है, बनाया जा सकता है? अगर मैं रेडियस लूँ इतना कि 1 माइनस आर और 1 प्लस आर जो है वो 1 और 2 के दरमियान दरमियान रहे या 1 और 2 तक भी चला जाए तो इस ओपन बाल में और सेट Z में 1 कॉमन आएगा, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। 1 को एक्सक्लूड कर देंगे तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। इसी तरह 2 के लिए भी किया जा सकता है, बल्कि अगर मैं कोई सा भी n ले लूं इंटीजर और SRn बनाऊं, Z के साथ इंटरसेक्शन लूं, बीच में से n एक्सक्लूड कर दूं और r को मैं 1 ले लूं, तो जो मेरे पास SRn इंटरसेक्शन Z आएगा n एक्सक्लूड करने के बाद वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। कैसे? अगर फ़र्ज़ करें ये हमारे पास n है, हमने n सेंटर लिया, रेडियस हमने 1 लिया, ये वाला नंबर n माइनस 1 आ गया, ये वाला नंबर n प्लस 1 आ गया, हमारा ओपन बाल बन गया n प्लस 1 से लेकर n माइनस 1 के दरमियान वाला, और इसमें सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है n सेट Z में से, और जब उस n को एक्सक्लूड कर देंगे तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। यानी ये वाला n हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अगर कोई ऐसा रियल नंबर लिया जाए जो इंटीजर हो तो वो इस सेट Z का लिमिट पॉइंट नहीं है। ऐसा रियल नंबर देखते हैं जो दो इंटीजर्स के दरमियान हो। फर्ज करें मैंने एक रियल नंबर लिया ये x, ये दो इंटीजर्स n और n प्लस 1 के इन बिटवीन है, ये n के ज़रा करीब है, n प्लस 1 से ज़रा दूर है। अगर मैं एक ऐसा ओपन बाल बनाऊं कि जिसका x माइनस r n पर आ जाए और x प्लस r जो है वो n प्लस 1 से थोड़ा पीछे रहे, क्योंकि ये n के ज़्यादा करीब है, ऐसा ओपन बाल बनाया जा सकता है। इस ओपन बाल में और Z में कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर ये n प्लस 1 के ज़्यादा करीब हो
तो ऐसा रेडियस लिया जाए कि x प्लस आर एन प्लस वन के इक्वल हो जाए। इस ओपन बाल में और z में भी कुछ कॉमन नहीं है, और अगर एग्जैक्टली दरमियान में हो तो भी आप ऐसा ओपन बाल बना सकते हैं। इस ओपन बाल में और z में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी हमारे पास ऐसा आर चूज़ किया जा सकता है कि एस आर एक्स में और जी के इंटरसेक्शन में एक्स एक्सक्लूड करने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर आप आर किसके इक्वल चूज़ कर लें, मिनिमम ऑफ एक्स माइनस एन और एन प्लस वन माइनस एक्स में से, जबकि एक्स हमारा कोई सा रियल नंबर है जो एन और एन प्लस वन के दरमियान में है, एम्प्टी सेट आ गया इंटरसेक्शन, इसका मतलब है ये वाला एक्स भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इस तरह से हमने सारे इंटीजर्स को भी चेक कर लिया कि लिमिट पॉइंट्स नहीं है, और हर उस रियल नंबर को भी चेक कर लिया जो दो इंटीजर्स के दरमियान है, वो इसका लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट Z का जो ड्राइव सेट है वो एम्प्टी सेट है, मैट्रिक्स स्पेस का कोई भी एलिमेंट इस सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है।